सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया रहेंगे। एंड भाई बढ़िया जरूर रहना। एंड भाई पहले आपको सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि भाई इधर मेरा ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। मेरे को मालूम है आप सब लोग भाई कमेंट में बोलोगे ऑडियो भाई अच्छा नहीं है, लेकिन भाई अभी क्या करें, इधर भाई लॉकडाउन है एंड इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। फ्लिपकार्ट बोलो, अमेजोन बोलो, कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैं ऑफलाइन भी ट्राई किया हूँ, लेकिन दुकान सारे भाई बंद है, तो इतना ज़्यादा खुलता नहीं है। तो पहले आपको बता देता हूँ, इसके लिए भाई दिल से सॉरी यार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेन सिमुलेटर के भाई इधर कुछ ऐसे टिप्स है जो किसी ने नहीं बताया होगा। एंड आप पहला टिप्स देखोगे, आप सेकेंड टिप्स देखने का मन आपको जरूर करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है भाई रेस्टोरेंट ऑफर। तो आप बहुत सारे बंदे भाई देखते होंगे कि आप उधर कुछ लेके जाते हो, लेकिन वो ऑफर में नहीं आता है रेस्टोरेंट में, तो आप भाई ऐसे ही सेल कर देते हो। पहले भाई मैं भी ऐसा करता था, लेकिन मेरे को ये टिप्स भाई खेलते खेलते मालूम चला है। सच बोल रहा हूँ, खेलते खेलते मालूम चला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, बस स्टॉप बोलो, कार स्टॉप बोलो, कुछ भी बोलो, इधर आपको सबसे पहले भाई रेस्टोरेंट के सामने ये दिखने के लिए मिल जाएगा। तो इधर आपको गेम को पहले सेव कर लेना है, ठीक है? गेम को सेव करने के बाद, रुको मैं इधर कर लेता हूँ, फिर आपको भाई बताता हूँ। जो इधर मैं कर लिया, एंड आगे चलते हैं भाई रेस्टोरेंट की तरफ, एंड आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? तो दरअसल खुल गया, खुल गया, खुल गया। चलो तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ इधर क्या है मेन चीज़। तो इधर है चीज़ बाई व्हाइट मोड, एंड इधर चिकन मीट बॉल है, एंड इधर पोक सैंडविच है। तो इधर आप अच्छे से दिख नहीं पा रहे होंगे, रुको रुको एक सेकंड रुको, आप देखना इधर आप भाई अच्छे से दिख रहे होंगे। एंड 1.4 गुना है, मतलब आप इधर चेक कर सकते हो, रुको और एक बार आपको दिखाई देता हूँ अच्छे से। तो इधर 1.4 गुना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है? तो इधर आप भाई कुछ भी आपको ऑफर में नहीं मिला, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको भाई गेम को रिस्टार्ट कर देना है, मतलब आपको पहले गेम को क्लोज करना है, फिर आपको गेम को चालू करना है, ठीक है? आप जहाँ पे भाई उधर गेम को सेव किए हो वहीं पे आप पहुँच जाओगे डायरेक्टली। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर आप पहुँच गए। एंड पहुँचने के बाद भाई आपको सीधा जाना है भाई, ये देखो यहाँ पे आप गेम को पहले सेव किए थे ना, वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो सीधा आपको चले आना भाई रेस्टोरेंट के अंदर, एंड आप उधर ऑफर चेक करोगे तो आप भाई हैरान हो जाओगे। ये टिप्स है, ये किसी ने शायद नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले इधर आप चेक कर लेना, ये है सबसे पहले नंबर पे चिकन सैंडविच, फिर है रोस्टर मीट एंड चिकन 1.5 गुना। हाँ पिछले बार था 1.5 गुना, 4 गुना था, और इस बार है 1.5 गुना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये छोटा सा टिप्स है, आप जब तक इधर ऑफर नहीं आए तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आप इधर आराम से एक खास टिप्स आपको साथ शेयर किया। तो आगे चलते हैं ना, आगे बात कर लेते हैं हमारे भाई नेक्स्ट टिप्स के ऊपर जो बिगिनर्स के लिए है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ क्या है, इधर आप देखो चारों ओर भाई इधर आप कुछ दिख नहीं रहा होगा, है आप मान लो इधर आप शिकार कर रहे हो। रुको एक सेकंड, इसको मारते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। तो रुको रुको एक सेकंड, अरे मार बे, अरे मार मार, अरे नहीं लगा बे, अरे लग गया। चलो तो ये तो भाई ख़त्म हो गया, तो इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। तो आप पहले भाई शिकार करते हो ना, तो इसमें बहुत सारा भाई दिक्कत होता है। मेन चीज़ आप इधर कहाँ पे शिकार करते हो, कहाँ पे मीट बॉल है, मतलब जो मीट है वो आपको ढूंढना पड़ता है। आपको कभी कभी तो भाई मिलता भी नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैं एक टिप्स अपनाया, फिर जाके मेरे को भाई मालूम चला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रहा भाई जो डीआर को मैं मारा था इधर, एंड इधर आपको क्या करना है, इसके सामने देखना पेड़ होगा, पेड़ को आपको सीधा काट देना है। तो काटने से क्या होगा, आपको इधर एक निशान आ जाएगा कि आप इधर पेड़ काटे हो, और इसके सामने कुछ ना कुछ होगा। जो मैं ये बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं भी पहले भाई ऐसा करता था, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और टिप्स है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे और भी ज़्यादा आपको हेल्प होगा। बिगिनर्स के लिए मैं पहले बता रहा हूँ ये वाला टिप्स है। तो ऐसे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, पहले आप जब गेम खेलते हो तो आपको कोई भी अंदाज नहीं होता है भाई कैसे क्या करना है। ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी गेम खेल लो, लेकिन आपके भाई आपके साथ शेयर कर रहा है, जो आपके भाई ने गलती किया है, तो वही सारे चीज़ है। तो इधर देखो मैं पेड़ काटा था ना, तो इधर मेरे को मालूम चला इधर मैं काटा हूँ, तो इधर आगे होगा। तो ये छोटा छोटा टिप्स है आपके साथ शेयर करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप्स के ऊपर। तो फ्रेंड ये वाला टिप्स भी है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये वाला टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बिगिनर्स है पहले भाई उल्टा सीधा चीज़ पहले मत खरीदो। तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत में आया था पहले उल्टा पुल्टा चीज़ खरीदने के बाद, तो मैं बाद में बताता हूँ गेम के बाद में तो क्या मैं ख़रीदा था। तो ये मैंने जो गलती किया हूँ वो दोबारा ना हो इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आप जब शिकार करने के लिए जाओगे ना तो एक कूलर भाई ज़रूर लेना, क्योंकि कूलर क्या करता है आपको गाड़ी का जो पीछे का स्पेस रहता है वो भी आपको बचाएगा। एंड भाई आप हरिन या बियार को मारे हो एंड मारने के बाद भाई आप एक एक करके मीट जो कलेक्ट करके आप गाड़ी के पीछे वाले स्पेस में रखते हो तो उसमें भाई टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कूलर क्या करेगा, कूलर का स्पेस 12 रहता है तो आप भाई उधर कलेक्ट करके डायरेक्ट आप एक ही जगह पे 12 पीस भाई आराम से रख सकते हो। तो ये छोटा सा टिप्स है आपको बहुत ज़्यादा भाई हेल्प करेगा। एंड सबसे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, आप भाई पीक जरूर लेना क्योंकि पीक भी भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि पीक को आप खाओगे एंड उससे मिनिमम आपको 21 से 24 आपको मिल ही जाएगा, उधर पोक आप इधर बोल सकते हो तो वो मिल ही जाएगा। तो इधर जो पीक है पीक बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो मैं और एक चीज़ इधर बता देता हूँ कि पहले भाई आप गलती कहाँ पे करते हो, आप भाई किस यूट्यूबर का वीडियो देखते हो वो भाई देखने के बाद ना, देखने के बाद आप सोचते हो भाई ये जो बहुत अच्छा बनाया है मैं भी बनाऊंगा, यही पे आप गलती कर देते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पहले आप गलती कर देते हो क्योंकि वो लोग भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है एक दिन भाई उन लोग खेलने के बाद 30 या 35 मिनट के वीडियो बनता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपका मम्मी पापा रहता ही होगा, मेरे को तो भाई 2 से 3 घंटे खेलने के लिए मिलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका भी होगा तो आपका मम्मी पापा आपको चिल्लाएगा फिर आप कुछ ना कुछ उधर होगा ही, तो आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे आप खेल पाते हो, लेकिन वो लोग 1 घंटा खेलते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप उसके साथ कंपटीशन मत करो, क्योंकि आप कंपटीशन करोगे ना तो पहले आप सर्वाइव गेम में हार जाओगे। तो ये मैं छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं पहले गलती किया था तो मेरे को करने के बाद मेरे को मालूम चला है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी वो वाला गलती नहीं करना है। तो मैं क्या गलती किया था पता है, ये जो चिकन वाला कूब है चिकन कूब में बना लिया था $500 का, तो उसमें मेरे ऐसा भी हुआ था चिकन को खाना खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी मतलब नहीं रहता था, मतलब पैसा भी नहीं रहता था, तो मैं क्या करता था उधर डीआर को मारता था या वालू को मारता था, उससे कलेक्ट करने के बाद फिर बेचता था, फिर 1 या 2 बोरा खाना का पैकेट इधर लेके आता था। तो ऐसा भी होता है मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। तो कुछ भी गलत मतलब मीनिंग मत लेना, मैं आपके अच्छे के लिए इधर ये कर रहा हूँ बोल रहा हूँ। तो ये वाला अच्छा है, तो आपके साथ शेयर किया तो मेरा मन भी हल्का हुआ जो मैं गलती किया था। तो आपको पहले कंपटीशन नहीं करना है, आपको खुद इधर देखना है कि आप कैसे खेलते हो, कैसे आप सर्वाइव करते हो। तो ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो एंड में जाता है, ये 5 नंबर टिप्स आप मान सकते हो कि रात में 21 मिनट के बाद सारे जो एनिमल है वो सो जाते हैं, तो उसी टाइम आप भाई अंडे कलेक्ट कर सकते हो कि वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं ये छोटा सा टिप्स है मैं आपको इधर शेयर कर दिया, ये सबको मालूम होगा ये मेरे को पता है, लेकिन जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बोल देता हूँ। तो ये वाला कूब मैं बना लिया था एंड ये वाला कूब ही भाई मेरे पीछे बास दे के चला गया। तो छोड़ो सब बातें अभी, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। आप इस कोविड के टाइम में आप घर में बिल्कुल सेफ रहे ना भाई, बहुत ज़्यादा भाई अभी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे भाई मतलब गुजर रहे हैं, तो आप सेफ रहना। और एक चीज़ भाई, आप किस यूट्यूबर का भाई वीडियो देखना पसंद करते हो ये भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जैसे कि टेक्नो गेमर्स हो गया, साइन एक्स प्रो हो गया, जे गेमर्स हो गया एंड बहुत सारे यूट्यूबर है, तो उसका कौन सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड भाई और एक चीज़ आपको करना है, आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को कौन सा ओपन वर्ल्ड गेम भाई खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे को भाई ओपन वर्ल्ड गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मैं वो वाला गेम ट्राई करूँगा। एंड और एक चीज़, ये वाला वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो और भी आप इधर बता सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक भाई आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।